66.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर फोन इन कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सुबह के 7:05 हुए हैं। स्वास्थ्य संजीवनी के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम में आज का विषय है बदलता मौसम और हमारा स्वास्थ्य। स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर राखी मेहरा और डॉक्टर रीना अरोड़ा। बदलता मौसम और हमारा स्वास्थ्य, इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 1800113663। ये नंबर टोल फ्री है। आप देश के किसी भी कोने से बिना किसी शुल्क के हमें सीधे फोन कर सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं डॉक्टर सोनिया दत्ता। नमस्कार। बदलता मौसम अपने साथ खुशनुमा नजारे लेकर आता है और साथ ही आती हैं इसके साथ कुछ छोटी मोटी और कुछ गंभीर समस्याएं। आजकल तापमान में उतार चढ़ाव शुरू हो गया है। मौसम बदलने का असर भी शरीर पर दिखाई देता है। सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी का मौसम हर इंसान के ऊपर कुछ ना कुछ असर जरूर डालता है। बदलते मौसम में सेहत का ख्याल नहीं रखना भारी पड़ सकता है। मौसम में तेज उतार चढ़ाव के अनुसार शरीर अपने आप को ढाल नहीं पाता और लोग बीमारियों की समस्याओं से शिकार हो जाते हैं। ऐसे में आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की बहुत जरूरत होती है और जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। इस दौरान मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, अस्पतालों में मरीज आना बढ़ जाते हैं। बदलते मौसम में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को और कुछ ऐसे खास रोगियों को होता है जिनकी इम्यून सिस्टम भी कमजोर होती है। इसलिए इस मौसम में सेहत की खास देखभाल करना बहुत जरूरी है। तो आइए इसी विषय में कुछ जानकारी लें। श्रोता हमें फोन उठाकर फोन कीजिए, अपने प्रश्न पूछिए और ऐसी जानकारी लें जिनके इस्तेमाल से आप बदलते मौसम में भी स्वस्थ रह सके। स्टूडियो में आमंत्रित अपने दोनों ही विशेषज्ञों का मैं स्वागत कर रही हूँ, डॉक्टर रीना अरोड़ा जी और डॉक्टर राखी मेहरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर राखी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि बदलता मौसम एकदम से जो ऊपर से स्वस्थ भी दिखता है कोई मनुष्य कोई इंसान, उस पे भी कुछ ना कुछ खराश क्यों हो जाती है? कुछ ना कुछ बदलते मौसम में, जैसे मैंने अभी हमने कार्यक्रम के शुरू में कहा, नजारे तो बहुत खुशनुमा होते हैं। जी मैं समझ रही हूँ आपका मतलब। आपने बहुत अच्छे से शुरुआत की और बताया कि मौसम तो बदलते रहते हैं, लेकिन क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या हम स्वस्थ रहते हैं हर मौसम में? देखिए आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि आयुर्वेद एक ऐसा साइंस है जिसने वर्षों पहले मतलब हजारों वर्षों पहले ये बता दिया कि हर ऋतु में, ऋतु ही हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतुओं में हर ऋतु में 2 महीने होते हैं। अगर हम हर महीने ठीक रहे यानी 6 × 2 = 12 महीने हो गए, तो 1 साल में 12 महीने में अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन जो आयुर्वेद के हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, आहार विहार और आचार विचार, बिल्कुल यदि हम इनका पालन करें हर महीने हम स्वस्थ रहेंगे। तो एक बात तो पक्की है कि जितने भी सीजनल जो हमारी डिजीजेस हैं, जितनी सीजनल पैथोलॉजी है, उससे हम बहुत बेहतर तरीके से दूर रहते हैं यदि हम आयुर्वेद के हिसाब से चले। अनुशासन में रहना बहुत मैं एक छोटे से उसके मतलब ये एक सभी लोगों को मेरे ख्याल से श्रोताओं को भी पता होगा कि जो कहते हैं ना कि चैत गुड़ बैसाखे तेरा, गेहूं के पंथा आषाढ़ के बेल, सावन साग न भादो दही, क्वार करेला न कार्तिक, मही अराहन जीरा पूषे घना, माघ मिश्री फागुन चना, जो ये 12 देव बजाए वो घर वैद्य कवि न आए। ये एक देखिए लोकोक्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं आयुर्वेद के आहार विहार आचार विचार में इनका उल्लेख है। और इसीलिए तो हमारे यहाँ जो वेद है, जो पहला साइंस है, वो ये कहते हैं कि यदि वेदों के हिसाब से चला जाए, उन
वेद में मैंने मैंने इसीलिए इसको कहती हूँ ऋतु वेद, यानी हमारे ऋतुचर्या के हिसाब से चला जाए तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और पूरे साल हर बदलते मौसम का जो आपने कहा ना कि रंग उनका एंजॉय करेंगे, आनंद उठा और बेरंग ना होंगे। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, लोगों की बताई, जिसके कुछ अपभ्रंश टुकड़ों टुकड़ों में लोगों को मालूम है, मुझे भी कुछ मालूम है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से बताया। डॉक्टर रीना जी, इसमें खान पान के साथ कुछ परहेज ऐसे हैं खास करके जो बहुत जल्दी हर, जैसे मैंने अभी भी शुरुआत में कहा, सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी। डॉक्टर राखी जी कह रही हैं ऋतुएं तो छह होती हैं, चार तो सभी को ही मालूम है, दो दो महीने की छह होती हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से विस्तार से बताया, लेकिन हमें जो है सर्दी गर्मी और गर्मी से सर्दी के परिवर्तन में क्यों परेशानी आती है? आयुर्वेद में इस पीरियड को बहुत इम्पोर्टेंट कहा है, जब एक सीजन चेंज होता है उसको ऋतु संधि कहते हैं। जैसे हम अपनी संधियों की रक्षा करते हैं, ऐसे ही हमें इस ऋतु संधि काल में अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। इसको यम दंष्ट्रा काल भी कहते हैं, क्योंकि ये सीजन बीमारियों का सीजन होता है। अगर आप सीजन चेंज होने पे एकदम अपना सब कुछ चेंज कर लेंगे, जैसे अब विंटर स्टार्ट हो रही है बट अभी पूरी तरह स्टार्ट नहीं हुई है, बिल्कुल शरद ऋतु चल रही है अभी, इसके बाद हेमंत ऋतु आएगी। अब शरद ऋतु में पित्त कुपित होता है और विंटर्स में अक्सर लोग गर्म चीजें खाते हैं, तो अगर अभी से हम विंटर्स का पूरा रिजीम शुरू कर देंगे तो हम डेफिनेटली हम प्रॉब्लम्स हो सकती है। हमें वो थोड़ा बैलेंस करके चलना है, एकदम बहुत ज्यादा गर्म चीजें नहीं खानी है और बिल्कुल ठंडी भी नहीं खानी है, क्योंकि अब हेमंत ऋतु की स्टार्टिंग होने वाली है और थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम बीच बीच में हो चुका है। तो इस सीजन में बेसिकली बैलेंस करके, जैसे दही शरद ऋतु में एडवाइस नहीं है तो दही थोड़ा कम लें, और विंटर्स में दही एडवाइस्ड है, और जो विंटर्स में जितने भी कड़वी चीजें हैं वो एडवाइस नहीं है, मधुर अम्लवान यानी कि मीठा खट्टा और नमकीन, ये तीन रसों का सेवन हमें हेमंत ऋतु में ज्यादा करना चाहिए जो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी, और घी और तेल का सेवन ज्यादा एडवाइस है, क्योंकि उस पीरियड में एनर्जी चाहिए होती है और सबको भूख लगती है, इसीलिए उड़द की दाल की पिनिया खाते थे हमारे एंसेस्टर्स और अभी भी पेरेंट्स खाते हैं। तो लेकिन एक चीज उसके साथ और भी एडवाइस है, खाली रिच डाइट्स नहीं, आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। बिल्कुल, तो खान पान के साथ उतना ही व्यायाम को किस तरह से बैलेंस करना है आपसे पूछते रहेंगे, लेकिन आइए कार्यक्रम का पहला प्रश्न है। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बोल रहा हूँ। नमस्कार, आपके मेरे तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि जो बुजुर्ग है जी हाँ, और उसे शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है जी हाँ, और खून बनता नहीं है, तो इस समय में जैसे मौसम बदलता है, ह्यूमिडिटी कम होती है, तो क्या खाए वो, उसे क्या खाने की सलाह देंगे? जो कि नट खाता है तो मुसीबत है, गाजर खाएगा, हरी सब्जियां खाएगा तो मुसीबत है, हर चीज में शुगर है, तो वो क्या करे कि वो क्या खाए जिससे कि उसका खून का दौरा बढ़ता रहे और वो स्वस्थ रहे, नंबर एक। नंबर दूसरा, कहते हैं कि जो सर्दियां आएंगी नवंबर दिसंबर में बड़ी भयंकर सर्दी होनी शुरू हो जाती है, उस समय के अंदर एक बुजुर्ग आदमी कहते हैं कि उसको नमूनिया होने का खतरा रहता है, तो एलोपैथिक वाले तो कहते हैं कि ये तो इंजेक्शन लगवा लेनी चाहिए इन्फ्लुएंजा और वो नोमन कोकला, तो आप आयुर्वेद में क्या सलाह देती हैं कि उसको इन दिनों में कैसे बचा जाए? कपड़े तो पहनता ही आपके फिर भी ठंड लगती है, तो क्या दवाई वो ले आपकी आयुर्वेदिक जिससे वो आपके नमूनियों को ठीक कर सके? और तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई सुबह आप लोग कहते हैं कि भाई बुजुर्ग आदमी में घूमने नहीं जाना चाहिए, जो आदमी 9 महीने रेगुलर घूमने सुबह जाता है 5 बजे, और इस समय तो पॉल्यूशन इतना है, फरारी जल रही है हरियाणा और पंजाब में, तो साथ के साथ जाएगी, तो क्या हमें कितने बजे उठ के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये घर में कसरत करनी चाहिए? बस ये मेरे तीन क्वेश्चन है। बस ये आपके तीन सवाल है जिसमें आपने काफी कार्यक्रम की रूपरेखा बना दी है। आइए हम अपने विशेषज्ञों से बारी बारी से जानकारी लें। जी, जयकिशन अग्रवाल जी हमेशा बड़े जागरूक रहे और बहुत सटीक प्रश्न लेके आते हैं। आपका प्रश्न बहुत वाजिब है। इस मौसम में आपने देखा होगा, जैसे मॉर्निंग में आपने बताया कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस से काफी लोग परेशान हो सकते हैं, और ये बहुत जागरूकता की विषय है कि जो आजकल पॉल्यूशन जो इंडेक्स है वो काफी हाई है,
और इस बार तो गनीमत है कि कम है हमारे कंपैरेटिव पिछले 4 सालों में दिल्ली में, लेकिन बाहर में भी पराली जला रहे हैं और ये सब है, तो एयर पोल्यूशन जो है उसकी वजह से जो ऑलरेडी जिनको अस्थमा है उनको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, इसीलिए उनके लिए बहुत अच्छा निर्देश है कि जब धूप का कोना आ जाए यानी धूप आ जाए तभी वो बाहर वॉक पे निकले। उससे क्या होते हैं कि जो पॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, एयर इंडेक्स जो हमारी है अगर मोर देन 200, आजकल जो 300 से भी ऊपर है, दैट इज डाइजी एक्चुअली फॉर लंग्स, तो इसीलिए वो सेटलमेंट हो जाता है वो पार्टिकल्स का जब वो सन आ जाता है, तो उनको बाहर घूमने के लिए उस वक्त तक जाना चाहिए, यानी कि अर्ली मॉर्निंग जो वॉक है वो बिल्कुल स्टॉप करना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा था, तब सब इन्होंने कहा एलोपैथी में कुछ वैक्सीन या कुछ टीका लगा देते हैं, तो वैक्सीन जो बेसिकली इम्यूनिटी को आपको बढ़ाती है और वो प्रिवेंशन प्रिवेंटिव प्रोफाइलेक्टिक एक्शन देती है, उसके लिए आयुर्वेद में हमारे यहाँ कहा है बहुत अच्छी बात है कि यदि खान पान अपना सही रखिए हर ऋतु में तो आपको इससे बच सकते हैं। दूसरा एक बहुत अच्छा मैं एक टिप्स दे देती हूँ, खान पान का तो हम बताते ही रहेंगे, टिप्स में ये है कि ये एयर पॉल्यूशन हो या जो एलर्जिक हो एयर पॉल्यूट से, उनके लिए सबसे अच्छा है कि सरसों के तेल में कपूर मिला लें और उसको उंगली से आपके नॉस्ट्रल यानी नासा जो नाक है उसके अंदर में एक लेयर लगा ले, तो म्यूकस मेम्ब्रेन में एक लेयर लग जाती है जो मैकेनिकल बैरियर का काम करती है और एक नेचुरल मास्क का काम करती है, तो आपके पार्टिकल जो है जो आपको एलर्जी करती है वो आपको नहीं होगी, तो ये तो एक प्रिवेंटिव जो टेक्निक करनी चाहिए, छन जाएंगे फिल्टर हो जाएंगे जी, इसीलिए बैरियर मैंने कहा, तो वो रोक देते हैं उनको। और दूसरी बात है कि खान पान में एक बहुत अच्छी बात है कि इस मौसम में आपने देखा फेस्टिवल कितने हैं, हमारी डॉक्टर साहब ने पहले ही बता दिया कि यम दृष्टा यानी कार्तिक मास में जो हम लोग ट्रेडिशनल रूल्स बताते हैं ना कि ये व्रत करना है, सुबह उठना है और ये नहीं खाना है, इस वक्त क्या नहीं खाना क्या नहीं, जो इन्होंने संधि काल का महत्व तो बताया कि पिछले ऋतु के 7 दिन और अगली ऋतु के 7 दिन ये दोनों मिला के हमारा संधि काल बनता है, यानी पिछली ऋतु में जो खाते थे उनको धीमे धीमे छोड़िए और अगली ऋतु जो है वो 7 दिन में धीमे धीमे उस ऋतु के खान पान में आइए, तो ये बहुत अच्छा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है। हमारे यहाँ जो 6 ऋतु है उसमें खासतौर से ये शरद ऋतु जहाँ पे पित्त का प्रकोप होता है, और अगर वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है तो इस ऋतु में वर्षा शरद ऋतु में वात को शमन हो जाना चाहिए, यदि आपने उस वक्त गड़बड़ की तो वात भी बढ़ गया और पित्त भी बढ़ गया, इसीलिए हर दूसरे बंदे को वायरल फीवर, क्योंकि ये दोनों जो है वो पैथोजेंस के लिए बहुत फेवरेबल एनवायरनमेंट दे देते हैं, और जितने सीजनल आपने देखा होगा फ्लू आपके जितने भी टाइप के फीवर्स और जितने भी टाइप के स्किन डिजीजेस इस ऋतु में आ जाती है, और छोटी छोटी चीजें भी जल्दी ठीक नहीं होती, खांस रहे तो खांसी रहे, हालांकि वो आप उनको वायरल फीवर नाम दे रहे हैं, ये सब चीजें आयुर्वेद में है, यदि हम उस दृष्टि से चले तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और हमें फॉलो करना होगा बस कोड ऑफ कंडक्ट। आपने फीवर और जो आपने बताया कि त्वचा, लेकिन बाल झड़ने की समस्या बहुत ज्यादा है, हम आपसे पूछ रहे हैं त्वचा का ही पार्ट है वो बाल भी, और बालों के फॉलिकल जो है वो त्वचा की वो ड्राइनेस, लेकिन एक श्रोता लाइन पे बने हुए हैं, आइए पहले उनका प्रश्न जान लें। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार। नमस्कार बहन जी, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। जी मेरा नाम है और मैं गाँव नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैम हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं? मेरा प्रश्न ये है कि मेरा गला खराब है। हाँ जी। और मेरी 55 साल की एज है और मैं कोई भी किस्म का नशा नहीं करता हूँ। हाँ जी। करता हूँ और सुबह 5 बजे वॉक करता हूँ, प्राणायाम योगा सत्तापाल बाकी सब ये करता हूँ। हाँ जी। एक तो तब भी मेरा गला खराब है, एक तो मेरा प्रश्न ये है। हाँ जी। और दूसरा प्रश्न ये है कि अभी हम गर्मी में नाश्ते वो तालाब के रूप में प्याज खाते थे। हाँ जी। तो क्या इस मौसम में प्याज खा सकते हैं नाश्ते रूप में हम? जी डॉक्टर रीना जी, एक तो जो आपका गला खराब है ये खांसी वगैरह अगर आती है
तो आप उसके लिए अगर कंटिन्यूसली बहुत टाइम से आपका गला खराब है और हमेशा रहता है ऐसा, तो आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ये बीच में अगर हुआ है तो आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं डेली आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली, और तुलसी वाला पानी पी सकते हैं आप, या अदरक का रस शहद में ले सकते हैं। और दूसरा जो आपने प्याज का पूछा है, अगर गला खराब है तो कुछ देर उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे आपकी खांसी बढ़ सकती है। ये आपने बहुत अच्छी का समाधान बता दिया डॉक्टर राखी। हम आपने बताया और कईयों को मालूम भी है त्वचा का भाग ही बाल है, लेकिन बालों की समस्या, बाल जब झड़के आते हैं पूरे हाथों में आ जाते हैं, तो एक बहुत ही ज्यादा मनोवैज्ञानिक असर बहुत ज्यादा पड़ता है जी। और ये समस्या भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जी। हमने बात की थी कि इस मौसम में वात का अगर प्रशमन नहीं हुआ, यानी वो पैसिफाइड नहीं हुआ जो पड़ा हुआ था, तो आपकी जो ड्राइनेस बहुत बढ़ जाएगी। दूसरी बात है पित्त भी है तो वो गर्म भी दे रहे हैं, तो और आपको हमेशा एक मोटे तौर पर हम लोगों की दादी वगैरह भी बोलती थी कि सिर हमेशा ठंडा होना चाहिए। अब देखिए सिर जो है वो पित्त के कारण गर्म भी हो रखा है और वो रफनेस जो है वात की भी बनी हुई है, तो बट नेचुरल बाल झड़ेंगे। आपको मैं बताऊं, अभी एक त्योहार हुआ था दिवाली के पहले ही, हमारे यहाँ पे नरक चतुर्दशी बोलते हैं, उसको रूप चतुर्दशी बोलते हैं। बिल्कुल, कैन यू बिलीव कि वो ट्रेडिशन में बोला गया है कि उस दिन आपको तेल की मालिश करना है अपने पूरे शरीर में, और उस दिन आपको उपटन लगा के नहाना है। आप देखिए कितना साइंटिफिक है कि अगर आप तेल लगाते हैं तो तेल जो वात का रफनेस खत्म कर देता है, ठीक है। उपटन लगाते हैं तो जो आपकी स्किन, हमारे यहाँ बोलते हैं उसका प्रसादन हो जाएगा, प्रसादन यानी वो हैप्पी हो जाएगी, उसको फेवरेबल। तो सोप लगा के और ड्राइनेस नहीं देगी, कितनी साइंटिफिक है। लेकिन हम उसको क्या है कि रीति रिवाज के नाम पे वो अपनाते हैं और नहीं भी अपनाते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं जी, उसका वो साइंटिफिक पहलू नहीं समझ पा रहे। तो ये एक बड़ा एक हर उसमें, और इस सीजन में आपने देखा कि खाने पीने में भी आपको ये कहा गया है कि व्रत रखिए, ये अगर फेस्टिवल है तो आपको कुछ चीजें जो आप भगवान को नहीं चढ़ा सकते, जैसे है आपकी मदिरा, इनका निषेध है ना, जैसे आपको जितने भी व्यसन है, तम्बाकू है, ये सब चीजें अपने आप ही बंद हो, क्योंकि आप भगवान को वो चढ़ा नहीं सकते। यानी आपने शुद्ध सात्विक खाना खा रहे हो घर का बना हुआ, उसके बाद में जब ये सीजन आए तो हमारे कषाय तिक्त मदुरा, ये तीन रस है हमारे यहाँ खा रहे हैं कि हर ऋतु में छह रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये क्या है इनको डिटेल में जानना बहुत जरूरी है, इनको लेना है चाहिए। लेकिन हर ऋतु में जब अगर एक दोष कोई अपनी स्टेट चेंज कर रहा है तो उस स्टेट के को उसको पैसिफाई करने के लिए वो वाला रस लेना चाहिए। तो कषाय तिक्त मधुरा, तो कषाय होता है एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट कौन खाता है, देखा है किसी ने, वो जैसे कसता है मुंह, कस गया जैसे ऐसा कौन खाता है, लेठी वगैरह खाने से सौंफ खाते हैं ना रोज, अच्छा पापड़ खाते हैं, तो आप देखिए कि मुंह में ऐसा थोड़ा सा खसाव होता है। जामुन को आपको देखने से, तो जामुन का सीजन है नहीं, लेकिन अगर आप रोज सौंफ खा रहे हो, जो हम लोग क्या मुखवास बोलते हैं, पहले पान खाते थे तो अब पान में भी काफी प्रॉब्लम हो गई। यदि प्रॉब्लम खाने में नहीं है, उसकी रख रखाव, उसको कैसे खा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट। अगर हम उसको कंप्रोमाइज करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि पान खराब है कि सौंफ खराब है कि, लेकिन खाना चाहिए। तो वो रस कहाँ से लेंगे आप, पापड़ बंद हो गए, तो मेरा मतलब ये है कि कषाय तिक्त मतलब क्या, कड़वा, कड़वा, तो कड़वा जो है वो आप कैसे खा रहे हो, खाते हो नहीं, सब मीठा मीठा, तो मीठे को काउंटर कौन करेगा, इसीलिए छह रस खाने चाहिए कि तीन रस ये कर रहे हैं, तीन रस वो कर रहे हैं, तो काउंटर कौन करेगा जब तक एक दूसरे को आप पूरे रस के साथ में नहीं लोगे। तो कुछ चीजें हैं जिनका बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और मैं तो बोलती हूँ कि हर किसी को अपनी डाइट कैसे बनाना है वो आयुर्वेद के चिकित्सक से पूछ लीजिए। जय कृष्ण अग्रवाल जी ने एक एनीमिया का नुस्खा पूछा था, वो भी हम बताएंगे, आपके शायद कॉलर है। हाँ जी, कॉल आ रही है डॉक्टर, एक कॉल लेने पहले। हेलो, मैं मीना बोल रही हूँ। हाँ जी मीना जी, नमस्कार जी। ऐसा था कि आप पता नहीं है क्या
है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने वो सब किया दिवाली पे तेल लगा के नहाए और वो उपटन जो एक्सफोलिएटर होता है उसको पूरी बॉडी पे लगा के हम नहाए और फिर भी अगले दिन वैसे के वैसे ही खुजली, तो उनसे तो हमें छुट्टी नहीं मिलती। ये बताइए, तिल के तेल के बाद कई बार खुजली होती है, मेरी ड्राई स्किन है, तो क्या हमें नहाने से पहले तेल लगा के आधा घंटा रुकना चाहिए या नहा के तेल लगाना चाहिए, ये नहीं पता चलता। और बाल वाल तो सब झड़ गए, मैं 74 हूँ, शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, थायराइड नहीं है। और साथ ही मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मुझे स्लिप डिस्क हो गई और मसल मेरी बिल्कुल वीक है। और खाने पीने में हम हरी सब्जियाँ हमेशा विंटर में खाते हैं, ये नहीं पता चला कि आप कौन से मौसम में कौन सी चीज, नाम हिंदी में ठीक ठीक बताइए तो हम समझे, पूरे पूरे सेशन में आप बताइए कि क्या खाना, किस समय क्या खाना, आप काउंटर काउंटर कर रहे हैं। मीना जी, आप हमारी नियमित श्रोता है और हमें बहुत अच्छा लगा, आप सवाल भी अच्छे पूछती हैं, आपने सुझाव दिया। असल में जिस तरह से इन्होंने जहाँ से उठाया, ये संस्कृत में भी बोलना पड़ेगा, कभी टेक्निकल इंग्लिश के शब्द आते हैं, तो कुछ अनुवाद हाथ के हाथ करें, बाकी हम ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार मीना जी, आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं। एक तो जो आप वात पित्त कफ, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि आपको जो भी लैंग्वेज वो यूज करें और हम यूज करें तो आपको समझ आए। आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली तीन दोष होते हैं, वायु, वात, पित्त और कफ। तो ये तीन दोषों पे पूरी बॉडी जो है वो स्टेबल है, इन्हीं के अकॉर्डिंगली आपको बीमारियां होती हैं और अगर ये ठीक है तो आप स्वस्थ हैं। तो वात जो है वो गैस नहीं है, हवा नहीं है, इसके बहुत सारे काम है। अगर आप कोई एक्शन कर पाते हैं तो वायु की वजह से, अगर आप सोच पाते हैं तो वायु की वजह से, अगर आपकी वायु बढ़ गई है तो आपकी संधियों में पेन हो सकता है, आपको ज्वाइंट्स में पेन हो सकता है, और अगर आपकी वायु ठीक है तो आप स्वस्थ हैं। और अगर पित्त आपका बढ़ता है तो आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और आपको एसिडिटी हो सकती है और कई डिसऑर्डर्स हैं, उनको यहाँ एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट मैं आपको थोड़ा समझा रही हूँ इन दोषों के बारे में। और जो कफ दोष है, अगर किसी की बॉडी में हैवीनेस की टेंडेंसी है और वो पानी में पीने से उसका वेट बढ़े, तो आप एक बार ये सोच लीजिए कि इसका कफ दोष, बॉडी जो है कफ प्रोडोमिनेंट है, कफ प्रधान है इसकी, और वायु वालों का वेट, चाहे वेट चाहे वो देसी घी भी पी ले, उनका वेट बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे कि लोग एक ही उस पर चलते हैं कि सबके लिए एक चीज ठीक है, नहीं, आयुर्वेद। एक पर्सनलाइज्ड व्यक्तिगत तौर पे एक साइंटिफिक शास्त्र है जो हर एक की हेल्थ को व्यक्तिगत तौर पे डिफाइन करता है। अगर मैं एक चीज बता रही हूँ तो हो सकता है वो सबके लिए ठीक नहीं हो, क्योंकि जो सात प्रकृतियां हैं ये वात पित्त कफ दोषों के बेस पे हैं। किसी का वात प्रधान है, पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है, या दो दोष प्रधान है, या तीनों प्रधान है, उस पर निर्भर करेगा कि आपको देसी घी लेना है, तिल का तेल लेना है, या आपको कुछ और सरसों का तेल लेना है। क्योंकि पित्त प्रधान जो व्यक्ति हैं जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गर्मी ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन होते हैं यूजली, इन लोगों को देसी घी का सेवन करना चाहिए। और जो वायु प्रधान व्यक्ति हैं, जो बहुत हाइपर एक्टिव रहते हैं, जो टिकते नहीं है सारा दिन ऐसे लोग, और सोचते भी बहुत ज्यादा है, इन लोगों को तिल का तेल इनके लिए बहुत अच्छा है। तो आयुर्वेद में इतना माइन्यूटली एक्सप्लेन किया गया दोषों के अकॉर्डिंगली, तो व्यक्तिगत तौर पर इसमें देखना चाहिए। और दूसरा आपका जो प्रश्न था, मसल्स को कैसे स्ट्रांग किया जाए, अगर आप डेली नहाने से पहले तिल का तेल की मालिश करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए। और दूसरा, अगर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो ठंडा और खट्टा खाना मत खाइए, आप दही में थोड़ा कम लीजिए, आप हल्दी वाला दूध लीजिए और कमर पे डेली आप तेल लगा के सोइए और एक्सरसाइज कीजिए माइल्ड जितनी आप कर सकते हो। और खाना पीना जो आपने पूछा कि हमें क्या खाना पीना चाहिए, मैं सब्जियों के नाम ही बताऊंगी आपको। जैसे शरद ऋतु है, अभी थोड़ा चल रही है वो शरद ऋतु, तो गर्मी की प्रॉब्लम अभी भी कईयों को होती है, पित्त कुपित होता है इस सीजन में, तो आप परवल का सेवन कर सकते हैं जो रूटीन की वेजिटेबल्स में, अनार ले सकते हैं वो बेस्ट है इस सीजन में, और जितने भी ठंडे तासीर वाली चीजें हैं, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, नॉर्मल चीजें जो है वो आप ले सकते हैं। और धीरे धीरे उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना नेक्स्ट मंथ में, कि धीरे धीरे गर्म बढ़ाना है। अब जैसे बाजरा है वो अभी नहीं खाना है, वो आपको विंटर्स में खाना है, और जितने भी रिच डाइट्स हैं वो भी नेक्स्ट मंथ दिसंबर में आपने स्टार्ट करनी है, ये आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं जी। इन्होंने एक और वो खा था कि नहाने के पहले तेल लगाइए और साबुन मत यूज कीजिए डेली। आपको इतना भी आयुर्वेद में एडवाइस्ड है
कि आपको आंवले की पेस्ट से उसको साफ करना चाहिए, क्योंकि जो सोप है बहुत ज्यादा कास्टिक है, पूरी ड्राइनेस ला देता है बॉडी में। तो अगर आपने ऑयल मसाज किया है, अगर ये पॉसिबल है आपके लिए, तो आप आंवले की पेस्ट बनाइए और उसको करीब बॉडी में 5 मिनट उसको रब कीजिए और फिर आप पानी डालिए, बस दैट्स ओके। जैसे उन्होंने बताया ये भी एक प्राकृतिक स्क्रब की तरह काम करेगा। जी डॉक्टर आपकी कुछ कह रही है। जी नहाने के पहले आपने कहा ना आपकी बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, तो गर्म पानी, एक तो बहुत गर्म पानी अगर आपने शुरू कर दिया होगा तो बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं इस्तेमाल करिए, साथ जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा ज्यादा हो, ताकि आपको सूदिंग, क्योंकि आपकी एज 70 ईयर्स है, ज्वाइंट पेन भी है आपको, हल्का सा कोसा गर्म पानी लीजिए। और अगर आपको ड्राइनेस लगती है तो उसके बाद भी मॉइस्चराइजर आप लोग बाहर के लिए यूज कर सकते हो, तो उसमें एलोवेरा हमारा बहुत अच्छा एक उसकी जेल लगा सकते हैं। और एक बात और बताऊंगी कि यदि अंदर ड्राइनेस है, अगर हमारे सिस्टम में अंदर में, तो इसलिए पानी भी खूब पीना है आपको और अंदर भी मॉइस्चर अपने सिस्टम को रखना है, ताकि आपकी नमी आपकी स्किन की बरकरार रहे और बालों का झड़ना भी, बालों को आप त्रिफला से धो सकती हैं और त्रिफला लगा करके आप थोड़ी देर रख सकती हैं सप्ताह में एक बार, और उसके बाद पानी से धो लें, और उसके बाद में हल्का से तेल, जैसे वो हम सिरम लगाते हैं या फिर हम कंडीशनर लगाते हैं, उसी तरह आप हल्का सा तेल में उंगलियां डुबोइए और गीले बालों में थोड़ा सा ऐसे मसाज कर लीजिए, तो आपके बाल भी बड़े स्टाइलिश भी हो जाएंगे और बाल झड़ेंगे भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राखी। एक श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न है। हेलो, हाँ जी मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, मनदीप। हाँ जी मनदीप जी, ये जानकारी चाहता हूँ आपसे। हाँ जी जी, ना ऐसी होता रहता है जैसे गले के काफी जिसको कहते हैं, ते जो मौसम अपना आज जैसा वक्त चलता है, या कणक की पाई चलती है गेहूं की, जब भी होता है वैसे भी जो ठंडी चीज खाते हैं जैसे दही या दूध या कोई और में नींबू का पानी या ऐसी ठंडी चीजें जिसको जिसको बोलते हैं वो खराब करती है मुझे जी। से ऐसी कोई दवाई बताइए जो एलर्जी से होया रहे, शरीर सही रहे, घबराहट बेचैनी जो जकड़ जी है शरीर की वो ठीक रहे, पेट भी ठीक रहे जी। आप एक काम कर सकते हैं कि आपको, क्योंकि मैं समझ रही हूँ जहाँ तक रूखापन बहुत हो जाता है और ठंडी जो है वो रूखापन और बढ़ा देता है, तो एक बहुत अच्छा उपाय है आप ये करें, मुंह में लौंग रखा करें, जब मतलब आप दिन में 3 बार ऐसे रख सकते हैं, जब आपको खराश से लगे तो उसका जो पानी चूसना है तो वो धीमे धीमे जो उसका रस आएगा उससे आपकी खराश न हटेगी। दूसरी बात है, सुबह दोपहर शाम हमारे एक सीतोपलादी चूर्ण होता है, वो भी आपको काफी अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा है तो मिश्री है ना, मिश्री को आप कूट लें, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च मिलाएं और 1 चम्मच घी मिलाएं, ये ऐसा मिला करके रख लें और उसको थोड़ी सुबह दोपहर शाम 3 बार चाटेंगे तो आपके ये जो गले में खराश हो रहा है ना वो नहीं होगा, करके देखिएगा हमें जरूर बताइए। शुगर तो नहीं है आपको, ये देख लेना। हाँ, सीतोपलादी और मिश्री दोनों शुगर, दोनों में शुगर है ना। और दूसरा हल्दी वाला दूध बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके अच्छा। लिए वो लीजिए आप रेगुलर, लेकिन रात में सोने के हाँ। और एक जो आप ये गेहूं की कटाई से जो डस्ट आपको आता है उसके लिए, अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, गले में खराश होती है, तो आप तवे पे हल्दी को डाल के उसके फ्यूम्स ले सकते हैं, उससे भी एयर पैसेजेस खुलते हैं, वो भी हेल्पफुल है इसके लिए। डॉक्टर साहब आपने 3-4 बार बता दिया हल्दी वाला दूध पीना है और डॉक्टर राखी ने कहा सोने से पहले, तो डॉक्टर साहब ये हल्दी वाला दूध जो है किस मात्रा में लेना है, पाउडर लेना है, गांठ लेनी है, कच्ची लेनी है, थोड़ा सा ये बता दीजिए, क्योंकि कई बार हम लोग भी सोचते हैं कि कैसे लें। जी जैसे 1 ग्लास हल्दी 1 ग्लास दूध है तो उसमें 1/2 चम्मच हल्दी सफिशियंट है, अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल है तो उसको आप एक उसमें काट के बारीक बारीक और बॉइल करके वो ले सकते हैं, और अगर नहीं अवेलेबल तो आप पाउडर वाली भी ले सकते हैं। दूसरी बात है कि इसके संदर्भ में मैं और बताना चाहूंगी कि जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनको कंटिन्यूसली हल्दी वाला दूध नहीं देना, इवन बच्चों को भी अगर ये जरूरत है, सीजन चेंज हो रहा है तब देना है, क्योंकि ये हल्दी वाला दूध कंसेप्शन में हल्दी जो है वो कई बार प्रॉब्लम करती है, तो
इसीलिए ये इससे एक और रिलेट करके मैं एक चीज बताना चाहूंगी। बिल्कुल। कि जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस लोग फॉरवर्ड करते हैं या आप सोशल साइट्स पे जो पढ़ते हैं उसको बिना डॉक्टर की परमिशन के बिना फॉरवर्ड नहीं करना yes, और लेना भी नहीं चाहिए आपको। मतलब अगर आपको जरूरत है तो आप जैसे पार्क्स के बाहर लोग जूसेस पी रहे हैं 10 तरह के, कोई नीम का जूस पी रहा है, कोई करेले का, कोई एलोवेरा। अब ये एलोवेरा जो है ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए इट्स वेरी हार्मफुल, जिनको पीरियड्स ज्यादा आते हैं इट्स वेरी हार्मफुल। और अगर नीम का है या कड़वा है बहुत ज्यादा, वो सोचते हैं हम हेल्दी रहेंगे, बट जिनको पेन्स हैं उनकी पेन्स और बढ़ जाएंगी, वायु बढ़ जाता है उससे। तो ये हमेशा आयुर्वेद भी है, तो अगर आप डॉक्टर के अंडर लेंगे तो ये सोने पे सुहागा है। तो ये नुस्खे मत अपनाइए, अपने किसी भी डॉक्टर को सीजन चेंज होने पे मिलिए, एज चेंज होने पे मिलिए, तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ये आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, मंत्र दिया है डॉक्टर, क्योंकि सामान्यतः लोग यही मानते हैं कि आयुर्वेद है, इसका फायदा हो ना हो, नुकसान तो होगा नहीं, ले लेते हैं। हाँ, लेकिन वही मैं बता रही हूँ, अगर आप किसी डॉक्टर के अंडर लेंगे तो इट्स वेरी गुड, इससे अच्छी साइंस नहीं है कोई हेल्थ के लिए। बहुत बहुत अच्छा आपने बताया। आइए कार्यक्रम का अगला प्रश्न। हेलो, हाँ जी नमस्कार। हेलो, हाँ जी नमस्कार, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। हेलो मैम नमस्कार, मैं संदीप कुमार डिस्ट्रिक्ट करनाल से बोल रहा हूँ। हाँ जी संदीप जी, जो अब पोल्यूशन का चल रहा है, धुआं धुआं चल रहा है, इसमें आयुर्वेदिक में भी खाने पीने में और क्या यूज करें जिससे आदमी बीमारियों से बच सके? और नंबर दो, जैसे ये सर्द गर्म का मौसम चल रहा है, बुखार हो जाता है, तो फिर बुखार 2-3 दिन में ठीक होता है, उसके बाद फिर शरीर ऐसे थका थका सा रहता है, इसमें क्या समाधान है आयुर्वेद जी? हमने बताया था कि अभी ये पॉल्यूशन जो है, एक तो हमने नाक में तेल लगाने का बता दिया था, ठीक है, वो आपका एक उपाय होगा कि आपके एलर्जन अंदर नहीं जाए। लेकिन खाने पीने से आपकी जो इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो इस मौसम में हमारे यहाँ जो शरद ऋतु में आपने देखा शरद पूर्णिमा हुई थी, तो पूर्णिमा में सभी ने खूब खीर खाई। कभी हमने सोचा कि वो खीर क्यों खा रहे हैं हम, ठंडी खीर, तो ठंडी खीर ये पित्त का सहायक है। अब वही है कि अगर हम पित्त और वात का नाम लेते हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या है, पहले ये समझना इतना इजी नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब आप विटामिन्स के नाम रट सकते हो, मिनरल के नाम रट सकते हो, आप जब कोलेस्ट्रॉल जानते हो, लिपिड जानते हो, हर एक सिस्टम की एक टर्मिनोलॉजी होती है, उस टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए उस सिस्टम को समझना होता है। तो मोटे तौर पे वात पित्त कफ अगर जैसा डॉक्टर साहब ने समझाया वो समझ लिया आपने, तो हम पित्त भी नहीं बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि इस वक्त गर्मी हो गई, तो गर्मी को क्या काटेगा, काउंटर क्या करेगा, तो काउंटर भी मतलब काटेगा क्या, तो क्या काटेगा, उसको ठंडा कोई काटेगा। तो शरद पूर्णिमा मन गई, यानी पक्का है कि इस ऋतु में ज्यादा गर्म नहीं खाना चाहिए और ठंडा खाना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू जो है वो जितनी भी सीजनल फ्रूट, सबसे अच्छा तरीका क्या खाए, क्या खाए, आप मार्केट देखिए ना, आजकल तो क्या है कि मार्केट हर मौसम में हर सब्जियां मिलती हैं, हर फ्रूट्स मिलते हैं, डॉक्टर पता ही कंफ्यूजन जी। दूसरा है कि एक देश में जैसे आप कहीं किसी भी जगह पैदा हुए हो और फिर कहीं पे भी पहुंच गए, हर जगह हर चीज मिल रही है, लेकिन पहले ये ऐसा नहीं था। तो अभी अगर जो सस्ती हो, सबसे सस्ती सब्जियां हो वो समझो सीजनल है, जो महंगी है वो जो दूसरे सीजन की है वो इस सीजन में अवेलेबल कराई जा रही है वो महंगी है, तो इसके लिए ध्यान रखें। दूसरी बात है कि अभी ये जितना भी हमने भारी खाना, भारी मतलब गरिष्ठ जितने भी चीजें हैं, अभी उनका समय नहीं आया, धीमे धीमे हमें उसमें आना है। जैसे आपका जिमीकंद है, ये सब चीजें अभी आएंगी, लेकिन अभी आप ये देखिए कि फेस्टिवल सीजन में क्या क्या खाया था, क्या क्या खाए, तो परवल है हमारे, अभी लौकी है, कद्दू है, ये सब सब्जी है, करेले है, ये सब कितने सस्ते हैं और यही टिकाऊ। और जितने भी महंगी चीजें फल हैं आपके, जितने भी आपको अगर देखिए विटामिन्स और मिनरल्स, ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इन्हीं से इम्यूनिटी बढ़ती है, और यही आयुर्वेद में सब्जियों के नाम लिखे हुए हैं, यही आयुर्वेद में फलों के नाम लिखे हैं, है तो वही चीज कि उनके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट आपको इम्यूनिटी दे रहे हैं। एक आपको बताऊं कि इस मौसम में त्वचा को इम्यूनिटी देने के लिए तेल मालिश करनी है,
हमारी नाक को इम्यूनिटी देने के लिए हमने तेल लगाना है, तो यानी तेल का प्रयोग तो करना ही हुआ, लगाने के लिए भी और खाने के लिए घी का इस्तेमाल। तो घी भी हमारे यहाँ गाय का घी क्या है, अब ना गाय का घी प्योर मिल रहा है ना वो, लेकिन जितना रिस्क फैक्टर हम कम कर सकते हैं वो किया जा सकते हैं। इस मौसम में शहद जो है, जहाँ हम शहद खाने का बिल्कुल कहा गया है कि बरसात में खाना है, यहाँ पे छोड़ना है, धीमे धीमे छोड़ते जाते हैं। तो इसीलिए ये ऐसे है सिस्टम की जिसमें आप सबसे पहले मोटे तौर पर अगर देख लें तो सब्जियां जो मार्केट में सस्ती मिल रही हैं, फ्रूट्स जो सस्ते मिल रहे हैं, और नींबू, अदरक, हींग, ये जितने भी मसाले हैं उनको किस चीज में कैसे डालना है, इसका भी एक साइंस है। लेकिन खाना जरूरी, रोज नींबू खाएंगे, विटामिन सी भी मिलता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो कैसे खाएं, अभी पराली कट रही है ये है, तो अंदर की इम्यूनिटी के लिए गर्म पानी में आप हल्का सा नींबू निचोड़ लें, सिप 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 करके चाय जैसा पीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सुबह की चाय में तुलसी का पत्ते जरूर डालें, अदरक कूच करके डालें, थोड़ी सी काली मिर्च डालें, आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। और चाय का जो आप वो बोलते हैं ना एसिडिटी, वो सब भी नहीं। बहुत अच्छे, तो आपने फल सब्जियों के साथ सौंफ, इलायची, लौंग, हल्दी, हींग, सारे मसाले का बहुत बढ़िया। एक श्रोता बहुत देर से लाइन पे बने हैं डॉक्टर साहब, उनका सवाल ले लें पहले। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम ब्रह्म दत्त है, मैं मंगोलपुरी दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ जी ब्रह्म दत्त जी, अपना प्रश्न पूछिए। को प्रणाम करता हूँ, आपको भी नमन करता हूँ, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर रीना अरोड़ा जी आई हैं, अब मैं वो सवाल पूछना चाहूंगा डॉक्टर रीना अरोड़ा जी। मेरा पहला प्रश्न ये है, बदलते मौसम में ना हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाए, संक्रमण हो जाए, तो इस स्थिति में हम क्या करें अपने घरेलू स्तर पे, पहला प्रश्न। दूसरा, जल बोर्ड का पानी जो मार्केट में आ रहा है, एक तो वो पानी है, एक बोतल बंद पानी आ रहा है, हम सीधा ही क्या उसका सेवन कर सकते हैं या किसी अन्य विधि से उसका सेवन करें जल का पीने के लिए जी। दूसरा मैम प्रश्न है मेरा एक अन्य कि आजकल ना मौसमी बदलाव के कारण कॉमन फ्लू बहुत हो रहा है, वायरस भी सक्रिय हो जाता है, ऐसी सूरत में हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें, एबीसी जो वायरस फैला हुआ है कॉमन फ्लू ऋतु परिवर्तन के दौरान। और अंतिम प्रश्न है मैडम जी, जो हमारा बदलते मौसम में आहार विहार कैसा हो, दिनचर्या कैसी हो, रात्रिचर्या कैसी हो, और हमारी जो स्तबन शक्ति है आई मीन इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बरकरार रहे, उसके लिए कुछ उपाय बताएं, धन्यवाद आपका बहुत बहुत जी। एक तो आपने पूछा कि आजकल जो इन्फेक्शन हो जाती है इस सीजन में, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं व्यूअर्स के, कॉलर्स के, उसमें आप लोगों को जैसे कि डॉक्टर राखी ने भी बताया, दिनचर्या का पालन कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपना खान पान ठीक रखिए, ताकि आपका शरीर जो है वो स्ट्रांग हो, आपको छोटी छोटी बीमारियां असर ना करें। अब हम देखते हैं किसी भी कम्युनिटी में कुछ लोगों को जो बड़ी बहुत जल्दी खांसी जुकाम हो जाता है, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं होता, तो ये क्या है, ये इंटरनल हमारी स्ट्रेंथ है, हमें बेसिकली उस पर जोर देना चाहिए, बजाय इसके कि हमें ये खांसी हुआ तो ये कर लें जुकाम, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाइए अपनी बॉडी की। और वो कैसे बढ़ेगी, अब दिनचर्या जैसे हमने बताई है कि सुबह आपको उठना है जल्दी, एक्सरसाइज करनी है, टॉयलेट वगैरह जाना है, उसके बाद प्रॉपर ब्रेकफास्ट लीजिए। कुछ लोग आजकल ट्रेंड हो गया मील स्किप करते हैं कि मैंने डाइटिंग करनी है ये लिया, लेकिन अगर आप एक मील स्किप करेंगे आप 10 चीजें और खाएंगे तो बात उससे ज्यादा डेंजरस है। तो बेटर है एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लीजिए, उससे पहले आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए, उसके बाद एक प्लेट लंच से पहले आपको फ्रूट्स ले लीजिए, सीजनल फ्रूट्स जो भी हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपने जो दिनचर्या पूछी है, क्योंकि आपको अगर ये आइडिया नहीं होगा तो आपके सारे क्वेश्चंस वो अनआंसर्ड रह जाएंगे। और फिर आप लंच में एक या दो चपाती जितनी भी आपकी डाइट है उसके साथ दाल लीजिए, छाछ ले सकते हैं उसके बाद, और शाम को चाय अगर आप लेते हैं तो चीनी अवॉइड करके शक्कर ले सकते हैं आप, और फिर आप रात को डिनर लीजिए 7 बजे से पहले प्रेफरेबली, उसमें एक या दो चपाती और सब्जी ले सकते हैं, और रात को आप गाय का दूध ले सकते हैं। ये मैंने एक रफ सा मील प्लान आपको बताया है। और जो आपने पूछा दिल्ली जल बोर्ड का पानी हम पी सकते हैं या नहीं, वैसे दिल्ली जल बोर्ड का पानी काफी हद तक साफ करके ही वो सप्लाई करते हैं, फिर भी अगर आपको चेक करना है तो आप उसको बॉयल करके और उसको रख दीजिए, वो आप ठंडा करके पी सकते हैं। बोतल बंद पानी मैं एडवाइस नहीं कर रही आपको, क्योंकि प्लास्टिक से भी प्रॉब्लम है और बिस्लरी की भी ऑथेंटिसिटी पर डाउट है कि वो कितना है या नहीं है। और तीसरी जो बात आपने बोली है कॉमन फ्लू की,
उसके लिए अगर आपको कॉमन फ्लू की प्रॉब्लम है तो आप सारा दिन तुलसी का पानी बॉईल करके रख लीजिए और उसको आप पी सकते हैं। तो इससे आपको प्रिवेंटिव मेजर ये काम हो जाएगा। गिलोय का पानी भी आप पी सकते हैं ताकि आपको सीजन चेंज होने पे होने वाली प्रॉब्लम्स ना हो। डॉक्टर साहब, आपने पूरे दिन की रूटीन खाना पीना बहुत अच्छे से बताया। इसमें नींद की कितनी मात्रा होनी चाहिए? हमें दिन में एक बार सोना चाहिए, दो बार सोना चाहिए, और कम से कम शरीर को कितने घंटे की नींद चाहिए? जी, आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली अगर आप मेरे से एक लिमिटेड टाइम पूछेंगे तो ये आंसर मेरे लिए ठीक नहीं होगा, ये उत्तर देना, क्योंकि जैसे मैंने पहले तीन दोष बताए थे वात पित्त कफ, और वैसे ही सात प्रकृतियां हैं, हर एक की बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है। बिल्कुल, वायु वाले को नींद आनी भी नहीं है ज्यादा और वो सोएगा भी नहीं, कफ वाला जल्दी उठेगा भी नहीं। तो अगर हम जैसे बच्चों को भी उठाते हैं ना, तो कुछ दो टाइप्स के बच्चे होते हैं, एक फटाफट पहली आवाज पे उठ जाएगा, दूसरा है कि काफी देर आप गेम बजाओगे तब वो उठेगा। तो ये मैटर करता है कि आपकी प्रकृति क्या है, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा अपनी नीड पे, कितना फिजिकल वर्क करते हैं आप उसके अकॉर्डिंगली आपको नींद चाहिए। तो एक फिक्स टाइम बताना कि 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, इसमें मैं यही कहूंगी जितने में आप फ्रेश होकर उठते हैं, ये रफ आइडिया है, वो आपकी नींद की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि शरीर की सेहत और फुर्ती के लिए नींद भी खाने भी बहुत जरूरी है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये तीन आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली त्रय उपस्तंभ माने जाते हैं हमारी दीर्घायु के लिए। अगर हमारे ये ठीक है तो हमारा पूरा जीवन स्वस्थ हो जाता है। बिल्कुल, इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगी, निद्रा में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, तो मोटे तौर पर समझ लीजिए 6 से 8 घंटे एक पूरी एक जुट यानी कंटिन्यूस रात की नींद जरूरी है। लेकिन दिन में सोना हमारे आयुर्वेद में केवल और केवल गर्मियों में ही कहा गया है, बाकी हर ऋतु में, मतलब आज भी आज के सीजन में आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगी, अब जिनकी नाइट ड्यूटी है, अब हमें थोड़ा सा जैसे जॉब चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंगली भी चलना पड़ेगा। सारी रात वो बच्चे अगर जाग रहे हैं, कॉल सेंटर्स में जॉब कर रहे हैं, तो वो दिन में सोएंगे, तो उनके लिए एक्सेप्शन है। अदरवाइज जिनका रूटीन नॉर्मल है वो दिन में ना सोए तो बेटर है, क्योंकि वो वेट बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा दिन में सोना। बिल्कुल। आइए कार्यक्रम का अगला प्रश्न है। हेलो, हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार जी, मैं हरदम बिल्कुल बोल रहा हूँ। हाँ जी, मेरी 69 है। पूछिए। मल्टीपल सर्जरी करवाई और डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर डिफरेंट डिफरेंट किस्म की डाइट एडवाइस करते हैं, जैसे नी रिप्लेस करवाए हुए हैं, वो कहते हैं मिल्क प्रोडक्ट लिया करो, तो जो पेट वाले हैं वो कहते हैं दूध नहीं पीना, छाछ लस्सी लेनी है, छाछ लस्सी वगैरह लेते हैं, दही लेते हैं तो गला खराब हो जाता है। तो किस तरह की डाइट है? पेट खराब रहता है और यूरिन की प्रॉब्लम है, हाइपरटोनिक ब्लेडर है, आपको कब्ज रहती है थोड़ी सी, मतलब तो क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए खाना? जी, पहली बात तो जैसे आपने बताया नी रिप्लेसमेंट करवाई है, तो दूध तो आपके लिए एडवाइजेबल है ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप ये बेटर है कि आप थोड़ा सा हल्दी डाल के ले लें, क्योंकि अगर नी रिप्लेसमेंट अभी अभी हुई है तो वो हीलिंग में भी हेल्प करेगी। बल्कि दही और छाछ में आपको एडवाइस नहीं करूंगी, अगर आपको घुटनों में पेन है तो वो और बढ़ेगी, तो दूध तो मस्ट है। और जो आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है उसके लिए अपनी डाइट में रफेज बढ़ाइए, एक्सरसाइज कीजिए, यानी कि पपीता लीजिए आप डेली लंच से पहले, पालक ले सकते हैं आप, और चुलाई वगैरह ले सकते हैं, जौ का आटा ऐड कीजिए अपनी डाइट में, क्योंकि उससे पेट बहुत अच्छे साफ होता है, उसमें रफेज बहुत ज्यादा है। और कुछ और आटे भी ऐड कर सकते हैं आप, जैसे चने का आटा है, ज्वार का आटा है, क्योंकि ये फाइबर बहुत है इन आटों में, तो इसलिए ये ऐड करेंगे तो आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा। और घी तेल का इंटेक बिल्कुल बंद नहीं कीजिए, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से भी अगर नी रिप्लेसमेंट हुई है तो एज भी 60 के आसपास होगी, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वायु बढ़ती है और ड्राइनेस आती है बॉडी में, होता उल्टा है आजकल लोग फिर उस एज में जैसे एडवाइस है कि घी नहीं लेना, तेल नहीं, और ज्यादा ड्राइनेस बढ़ती है और ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं ये सब, तो उसका ऑयली चीजों का बिल्कुल इनटेक बंद मत कीजिए, तो इससे आपका पेट भी ठीक रहेगा और जो आपका दूध की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो जाएगी, कि आप उसको हल्दी वाला दूध लीजिए। और जितना प्राकृतिक ले सके लेना चाहिए, सप्लीमेंट्स के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। सप्लीमेंट्स से। हाँ जी डॉक्टर जी, इसमें इन्होंने जैसे कहा कि आपकी स्निग्धता कम हो जाएगी इसलिए फैट जरूर ले, तो
बिल्कुल बर्न इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि जो फैट सॉल्युबल विटामिंस है जो आप ले रहे हैं वो किस तरह से सॉल्युबल होंगे और किस तरह से बॉडी में लगेंगे, खा तो रहे हैं लेकिन लग नहीं रहे, इसलिए फैट को लेना, और खास तौर से आपके लिए क्योंकि जॉइंट भी इन्वॉल्व है, जीआईटी भी इन्वॉल्व है, तो आपको घी जो गाय का घी है वो बहुत आपको काम आएगा। दूसरी बात है यदि दूध लेने से आपको ज्यादा मोशन हो रहे हैं या आपका पेट साथ नहीं दे रहा है, कई बार आईबीएस भी हो सकता है, तो आपके लिए सबसे अच्छा छाछ रहेगा। छाछ में भी आप उसमें जो है हम लोग उसमें वो जीरा और उसका भुना हुआ जीरा और सेंधा नमक डाल करके वो आपके लिए फायदे रहेगा, लेकिन ठंडी नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखें एकदम ताजी ताजी। और दही का इस्तेमाल भी आपके लिए अच्छा हो सकता है एज कम्पेयर टू अगर अगर मिल्क से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, प्लेन दही नहीं खाते, हमारे यहाँ दही भी संस्कार करके, संस्कार क्या वर्ड है, अब ये वर्ड भी आप बोलोगे तो इसमें संस्कार मतलब अगर आपने उसमें जीरा मिला लिया, आपने भुना हुआ जीरा मिला लिया तो हमारे यहाँ शुगर भी डालते हैं और नमक भी डालते हैं, तब जाके वो दही बनता है, खाने योग्य। ये लिखा है केवल दही में अगर आपने चीनी डाल ली तो वो आपको कफ कारक हो जाएगा, मतलब आपको ज्यादा ओबेसिटी कर सकता है। यदि आपने दही में केवल नमक डाल लिया तो वो आपको नुकसान कर सकता है क्योंकि उसके पित्त और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग दोनों ही जैसे शिकंजी होती है ना नींबू की शिकंजी, उसमें चीनी भी डलती है नमक भी डलता है, इसी तरह दही में भी चीनी भी और नमक दोनों ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालने से ताजा दही लेंगे बहुत अच्छा। और आयुर्वेद में ये कहा है, मैं आपको बताऊं, बहुत गलत धारणा है कि सुबह दही नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेद में कहा है सुबह दही खाना चाहिए, क्यों, क्योंकि कफ का काल है, यानी इस वक्त न्यूट्रिशन ऐसा हैवी चाहिए। दोपहर में हमें क्या करना चाहिए, छाछ पीना चाहिए, मठा लस्सी तकर जिसको बोलते हैं वो पीना चाहिए, नमकीन लस्सी जो है खाने के साथ में पानी नहीं ये लेना चाहिए, और रात में दूध लेना चाहिए, लेकिन सब उल्टा पुल्टा, सुबह माएं लेकर के घूमती हैं दूध पीछे पीछे बच्चे के कि दूध पी ले दूध पी ले, जबकि उनको नमक और चीनी मिला करके उनको दही में कुछ चीजें देनी चाहिए। कई जगह तो ट्रेंड है सुबह सुबह चूरा के साथ में दही देते हैं, हर जगह का सब है, लेकिन हम उसको साइंटिफिकली समझ नहीं पाते और अपने हिसाब से चलन के हिसाब से बदल जाता है। चलन के हिसाब से दूध की ही तरह तरह के प्रोडक्ट है, लेकिन दूध तीन तरीके से लेना है, लेकिन सुबह क्या लेना, दोपहर क्या लेना और रात क्या लेना आयुर्वेद में लिखा है। आप कुछ बोल रहे हैं डॉक्टर रीना? हाँ, एक और चीज दही के संदर्भ में ऐड करूंगी कि चार चीजें डाल के दही खाना एडवाइस किया है, उसमें आप आंवले का पाउडर डाल सकते हैं जिनको गर्मी होती है दही से, और शहद मिक्स करके खा सकते हैं दही, देसी घी मिक्स करके खा सकते हैं दही, जिनको स्वेलिंग है दही उनको एडवाइस नहीं है, लेकिन ऐसे थोड़ा बहुत ले सकते हैं, या फिर मूंग की दाल का पानी, चार चीजें में से कुछ भी एक एडवाइस किया है कि ऐड करके फिर आप लें तो उसका जो बैड इफेक्ट्स है थोड़ा सा बैलेंस हो जाते हैं, यानी कुछ ना कुछ एंड जरूर करना है आप जो आपने बताया, मैंने कि संस्कार मतलब हम उसको जो है वो थोड़ा सा उसके गुण को और बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बदलता मौसम हमको बिल्कुल स्वस्थ रख सकता है, इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग हो, जिसके लिए हमें अपने शरीर के अनुसार खाना पीना व्यायाम नींद सब कुछ जरूरी है। मैं अपने दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, डॉक्टर रीना जी डॉक्टर राखी जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर जी। अभी आप बदलता मौसम और हमारा स्वास्थ्य विषय पर फोन इन कार्यक्रम सुन रहे थे। आमंत्रित विशेषज्ञ थे वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर राखी मेहरा और डॉक्टर रीना अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी डॉक्टर सोनिया दत्ता। सोमवार 4 नवंबर 2019 को स्वास्थ्य संजीवनी के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा आंखों की विभिन्न बीमारियां और उपचार की नई तकनीक। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे एसपी सिंह। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।